हेलो कैसे हैं आप सब लोग तो सीबीएसई का हम लोग बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे और 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे रेस 20 क्वेश्चन क्लास आज करेंगे आज ही हमने 20 क्वेश्चन किए थे आज और 20 क्वेश्चन करेंगे प्लीज 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे समझना और जैसे पिछले क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था पहले क्वेश्चन खुद देखना वीडियो पॉज करना क्लास आंसर देने की कोशिश करना उसके बाद आप मेरे से अपना आंसर मैच करना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है तो बिल्कुल भी क्लास एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना वीडियो एंड तक देखना जो क्वेश्चन नए लगे उसे कॉपी में लिख के रख लेना जो सही है क्लास उससे कोई दिक्कत ही नहीं है जो गलत जाएगा उन पर आपको फोकस करना ताकि इस बार गलती है लेकिन अगली बार गलती ना हो ओके ट्वेंटी वन क्वेश्चन डैश इज द process of classification of product into different group ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सच एज क्वालिटी साइज एसेट्रा तो बताओ क्लास किस चीज को हम लोग कहते हैं जहां पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसी क्वालिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं साइज बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो बड़ा उसे कहते हैं ग्रेडिंग ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है क्लास <coughs> जैसे आपने देखो राशन की दुकान पे चावल के दाने रखे रहते हैं क्लास अलग अलग क्वालिटी के कोई बीस रुपए किलो है कोई चालीस कोई सौ कोई दो सौ तो यानी कि ग्रेडिंग कर दी जाती है तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी ग्रेडिंग बहुत अच्छे से या दाल होती है जो जो अलग अलग क्लास

ऑल इंडिविजुअल बड़ा टोटल लिखा है टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर दैट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस मतलब हमारा जो बिजनेस है ना उसके कंट्रोल में नहीं है ये एरिया तो बेटा इसे क्या बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट तो क्लास ये कोई ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है सही आंसर है इसमें कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं सोशल ना पॉलिटिकल ना इकोनॉमिकल ये तो एक बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहा है कि ये बिजनेस एनवायरमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है नेम द दैट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबोर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाई ए सुपीरियर एक सुपीरियर अपने अंडर कितने एम्प्लॉय को रख के अच्छे से मैनेज कर सकता है एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन तो उसे क्या बोलते हैं एक सुपीरियर अपने अंदर यानी कि अपने अंडर में सॉरी अंडर में कितने सबोर्डिनेट को रख सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ क्लास उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट सो यानी कि 23rd का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आई होप आप सब ने भी क्लास जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वही इसमें सेलेक्ट किया होगा ओके नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर चेक करो टेलर बिलीव दैट देर वॉज ओनली वन बेस्ट मैथड टू मैक्सिमाइज एफिशियंस एफिशियंसि को मैक्सिमाइज करने के लिए एक ही सबसे बेस्ट मैथड है दिस मैथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एनालिसिस तो इसको क्लास स्टडी एनालिसिस से स्टडी और एनालिसिस करके ही डेवलप कर सकते हैं आईडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बींग डिस्कस हाउ इन नॉट डिसंस नॉट रूल ऑफ दम डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल तो क्लास ए की class, thumb, कि आपको हर जगह जो है वो साइंस लगाना है प्रॉपर स्टडी करनी है तब जाके आप उसका जो है उसके ऊपर कोई रू कोई मतलब डिसीजन लेना हो तब आप ले सकते हो सो so हर चीज जो है वो साइंटिफिकली बेस्ड होता है इसके अंदर आप अपने मन से आप अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हर चीज के लिए क्लास साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा ओके ऐसा टेल, टेलर कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है वो नेक्स्ट चेक करो क्लास क्वेश्चन ट्वेंटी चेक करो क्लास क्या है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इंडिया तो इंडिया जो है वो लॉन्च कर रहा है क्लास जियो इमेजिंग सैटेलाइट जो ध्यान रखेगा अलग अलग कॉन्टिनेंट पर और हमारे मेन जो बॉर्डर है उस पर भी क्लास खास ख्याल रखा जाएगा देखा जाएगा बॉर्डर से घुसपैठ तो नहीं कर रहा बाई इमेजिंग क्लास कंट्री फोर फाइव टाइम्स डे दैटेलाइट इज कैपेबल ऑफ ऑल नियर ऑल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फ्लड फ्लड साइक्लॉन इन सबको भी मॉनिटर किया जाएगा तो कौन सा है सोशल है इकोनॉमिकल है टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ लिया गया है इसके अंदर आप जाहिर सी बात है क्लास क्या होगा क्लास ये बताओ तो इसमें किसकी बात कर रहा है टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग जो है वो अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं चीजों को तो ऑब्वियस क्लास क्या होगा इसका टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है चेक करो ट्वेंटी क्वेश्चन चेक करो क्लास ट्वेंटी क्वेश्चन का क्या आंसर होगा विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सॉरी प्लानिंग प्रोसेस का वो कौन सा स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का वो कौन सा स्टेप है विल क्लास स्टेप इन विच द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टन एजम्पन अबाउट द फ्यूचर यानी कि जहां पे मैनेजर को कुछ ना कुछ अजम्पन को लेना पड़ता है उससे पहले तो यार मैनेजर को जो एजम्पन लेना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिस तो डेवलपिंग प्रेमिस से पहले का जो पॉइंट है वो क्या होता है क्लास बताओ जरा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो ठीक है तो कौन सा है क्लास पॉइंट यहाँ अप ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हो फिर प्रमेसिस को डेवलप करते हो एज्शन लेते हो फ्यूचर के लिए फिर कौन कौन, कौन से ऑल्टरनेटिव से गोल अचीव कर सकते हो उसकी लिस्ट बनाते हो आप लिस्ट बनाने के बाद उसको इवालुएट करते हो इवालुएट करने के बाद आप किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करते हो देन क्लास आप उसको फॉलो अप करते हो ये तो सारे प्रोसेस थे अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर वंसिडर टू बी द की ऑफ द सक्सेस ऑफ ए फॉर्म प्रोडक्ट जो है वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए और क्लास अफोर्डेबल भी यानी सस्ता होना चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सके इस रेंज में होना चाहिए तो ये बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ही ऐसा कहता है क्लास की प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और चीप रेट में मिलना चाहिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हाई क्वालिटी का होना चाहिए सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या समाज को ध्यान में रखो ये कहता है कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखो कस्टमर की वॉन्ट्स को ध्यान में रखो ये क्लास कस्टमर किंग मानता है तो इसे बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ट्वेंटी चलो ये एक छोटा सा केस स्टडी क्लास आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े केस स्टडी क्लास पूछा नहीं गया इसके अंदर कि आप सोचोगे बहुत बड़े बड़े केस स्टडी पूछे जाएंगे डोंट वरी पेपर बिल्कुल सिंपल रहने वाला है हाँ कुछ एक दो क्वेश्चन तो बड़े होंगे ही लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन सारे बड़े आएंगे ठीक है और एक आपको पैराग्राफ मिलेगा जिसके अंदर पाँच छह क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प करना पड़ेगा छह क्वेश्चन लगभग उसमें से कोई पांच भी करोगे चार भी करोगे तो भी चलेगा एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन ऑफ द फिल्म शूटिंग आपको बताया क्लास जम्मू कश्मीर में शूटिंग तो बहुत ज्यादा होती है एड जो एंड द जे एंड के फिल्म पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी हॉस्ट ऑफ इंसेंटिव टू द फिल्म मेकर सच एज सब्सिडी एंड लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट तो सब्सिडी देना क्लास और लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट लंबे समय के लिए सस्ते पे ब्याज कम कर देना फॉर फिल्म विद क्लास पेट्रोटिक एंड जो देशभक्ति की जो फिल्म है उन सब के ऊपर क्लास थोड़ा सब्सिडी देंगे सरकार कहती है एंड सर्टेन अदर थीम शॉर्ट एन जे एंड के फॉर गिविंग द वर्क अपॉर्चुनिटी टू द लोकल को वर्क अपॉर्चुनिटी देने की बात है स्टेट विच कॉम्पोनेट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हाईलाइटेड अव बहुत ही क्लास सिंपल क्वेश्चन है और यकीन मानो क्लास यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कौन से डायमेंशन की बात की जा रही है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस की बात की जा रही है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट की बात की जा रही है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो, तो, आपने, आपने तो इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए बात की जा रही है जहां भी लोन हो और लोन का रेट कम करने की बात हो बैंक रेट सीआर की बात हो ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हो या पूरी इकोनमी को आ, कुछ ऐसा जो इकोनॉमी बेसिस पे हो रहा है उसकी बात हो तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है और यहां पे बैंक रेट लोन रेट की बात की जा रही है तो ऑब सब्सिडी की बात की जा रही है तो ये इकोनॉमिक होगा ओके नेक्स्ट टॉपर्स ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ क्लास फॉर ए इंटू मैन्युफेक्चरिंग टू द सेमी एंड इट हैज Set up a business, uh, a business to seize the business opportunity and add its prospectus in the long run. The company has already class pivoted into number of new project like electronic 5G network equip, 5G, 5G network equipment. एज वेल एस सेमी कंडक्टर विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव द मैनेजमेंट डज बिजनेस सीख टू फुलफिल तो यार इतना सब कुछ करने के बाद भी एक नई अपॉर्चुनिटी को बिजनेस ले रही है तो मुझे बताओ क्लास की कौन सा ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल देखो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो उसमें अंदर तीन होता है क्लास कौन कौन सा सरवाइवल सर्वाइवल प्रॉफिट और ग्रोथ तो इतने सारे ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है और एक नया ब्रांच कंपनी बनाना चाहती है एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो वो किसके अंदर आए क्या कंपनी सर्वाइवल पे है यार सर्वाइवल वाली कंपनी ऐसा थोड़ी करती है इतने सारे ऑलरेडी ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रही है तो उस सिचुएशन में क्लास वो सर्वाइवल नहीं है क्लास वो क्या है ग्रोथ है और ग्रोथ आता है प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तभी तो नई नई चीजें बना रही है जैसे एप्पल है वो नए नया प्रोडक्ट लेके आता रहेगा कल कल कुछ सैमसंग है नया नया प्रोडक्ट लेके आता रहेगा क्यों उनके पास प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट से ग्रोथ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट सेट टू बी लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस द यूटिलिटी प्रोवाइड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द सेट टू द अपर लिमिट सो इन इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू डैश द प्राइस इंक्रीजेस रेवेन्यूश्रीज इन इलास्टिक डिमांड है इन इलास्टिक सिर्फ इससे आप समझ सकते हो क्वेश्चन को इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है डिमांड इन इलास्टिक है डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे उस सिचुएशन को तो टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा या घटेगा वन प्राइस इंक्रीज सीधी सी बात है अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो डिमांड तो चेंज कर ही नहीं सकते आप महंगा हो गया तो कम नहीं खरीदोगे तो इन इलास्टिक अगर डिमांड है तो डिमांड ज्यादा होगी भले ही प्राइस अगर ज्यादा होगा तो अगर प्राइस ज्यादा होगा और डिमांड भी ज्यादा होगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा बताओ जरा टोटल रेवेन्यू क्या होगा बढ़ेगा ऑब्वियस है अगर प्राइस ज्यादा है और आपको कि ग्राहक कहीं और नहीं जा सकता प्राइस ज़्यादा है तो ज्यादा प्राइस में ज्यादा डिमांड करेगा तो ऑब्वियस टोटल रेवेन्यू है जो कमाई है क्लास वो क्या होगी आपकी बढ़ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन चेक करो अ मैनेजर इन अ अन्सियस मैनर टू इंश्योर दैट इवन वेयर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट कोऑर्डिनेट गिव्स डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट द दिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन बींग हाईलाइटेड ऑफ द अव तो बताओ क्लास यहां पर कि विलिंग स्पिरिट भी आपके अंदर कम्युनिकेशन करने की स्पिरिट भी होनी चाहिए कॉपरेट करने की स्पिरिट होनी चाहिए आप मैनेजर इन द क्लास

कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स और कोऑर्डिनेशन प्रोसेस तो क्या लगता है क्लास, सही 31 का, आप बताओ क्लास क्या है? तो थर्टी वन का जो करेक्ट आंसर है वो बी यानी कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन जो है वो डेलिब्रेट एक्शन है कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा तो आप ध्यान रखना ये डेलिब्रेट फंक्शन है क्योंकि जानबूझ कर किया जाता है यानी कि

10th से शुरू होगा अगर आप CA Final की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लेके क्लास आपके लिए योद्धा बैच और इस बैच में ग्रुप एन और Group 2, अगर May और नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच तो दस तारीख से शुरू हो रहा है टॉपर्स बैच सी फाउंडेशन के लिए और स्टेप अपस बैच जो कॉम्प्रसिव इंग्लिश बैच है फॉर सीए फाउंडेशन मे ट्वेंटी

एक प्रॉपर क्लास चैनल होगा जहां पर डिस्कशन कर सकते हो जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट है वो बेनिफिट भी आपको मिलेंगे सिमिलरली अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका इंटरेक्टिव लाइव लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड एंड पीडीएफ टेस्ट सीरीज तो अगर आप सीए बनना चाहते हो तो क्लास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक जरूर चेक करें थर्टी टू क्वेश्चन फॉर दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड स्टेटमेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन भी डेलीटली चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंगो फॉलोइंग ऑप्शन बड़ा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं क्लास अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल फॉर नॉन अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क अगर आपने काम को पूरा नहीं किया तो जवाब देना पड़ेगा वो अकाउंटेबिलिटी है और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्लास वन की जिम्मेदारी जो ऑलरेडी पावर के साथ हमें मिली हुई है तो थर्टी टू में क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्लास तो सबसे पहला स्टेटमेंट साफ गलत है क्लास क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता अगर मान लो कि मुझे किसी ने मेरे बॉस ने काम दिया और मैंने नीचे लेवल पे काम किसी को दे दिया उसने काम पूरा करके नहीं दिया तो मैं बॉस से ये नहीं कह सकता कि यार काम उसने नहीं किया है तो मैं कैसे करूं मैं कैसे आपको काम करके दू आपने मुझे दिया मैंने उसे दिया उसने काम किया नहीं इसलिए काम नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं कह सकता मैं स्टिल मैं ही आंसरेबल हूँ मैं ये नहीं कह सकता आप उससे पूछ लो उसने काम क्यों नहीं करा नहीं आंसर मुझे ही देना है तो पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा क्या है क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली तो क्लास रिस्पांसिबिलिटी जो है वो कंप्लीटली डेलीगेट नहीं किया जा सकता ऑब्वियस है क्लास अगर सारी रिस्पांसिबिलिटी नीचे लेवल पे दे दोगे तो आप किस लिए हो सो so, दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्लास इनकरेक्ट है 32 का जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन 32 का करेक्ट है 33 चेक करो क्लास 33 चेक करो क्लास क्या होगा 33 का द सीई ओ ऑफ राधे साइकिल प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वॉन्ट्स टू गेट द मैगजिम आउटपुट फ्रॉम एम्प्लॉय एज अ कॉम्पिटेटिव कॉस्ट वो चाहते हैं कि एम्प्लॉय से जो है एक कॉम्पिटेटिव कॉस्ट में अच्छे खासी कॉस्ट में यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट का वेस्टेज ना करते हुए आउटपुट जो लें वो ज्यादा से ज़्यादा लें

पूरा नहीं कर रहे तो यहां पे वर्कर जो है, 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 है यानी कि वो अपने बारे में सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहा जबकि उसे किसके बारे में सोचना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए ना कि उसे अपने बारे में सोचना चाहिए तो थर्टी का डी थर्टी इन द प्रोसेस ऑफ तो ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में सबसे पहला जो होता है एंटीफिकेशन डिविजन वर्क दूसरा ग्रुप एंड डिपार्टमेंटेशन तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी चौथा स्टेबलिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तो डी जो है वो लास्ट है तो उसमें वो यही ऑप्शन है क्लास बी पहले सी आएगा करेक्ट फिर क्लास आएगा बी करेक्ट फिर ए फिर डी यानी क्लास यहाँ पे थर्टी फोर का ऑप्शन बी करेक्ट है बहुत सिंपल से क्वेश्चन था थर्टी फाइव The production department at Karishma Limited, a firm manufacturing ready made garments for men, has an objective to increase productivity by 10%. productivity

दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा आ, इसमें लिखा है फॉलोइंग ऑफ द फोर्स दैट कैन तो है कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो रहा दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है दोनों के बीच लेकिन ये तालमेल दोनों के बीच क्यों नहीं बैठ रहा बताओ तो ये दोनों के बीच जो तालमेल है वो ना बैठने का रीजन क्या है ग्रोथ इन साइज फंक्शनल डिफ्रेंशियन स्पेशलाइजेशन एंड 35 क्वेश्चन का क्लास सही आंसर जो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन दोनों का फंक्शन अलग अलग है जिसकी वजह से क्लास लड़ाई झगड़ा हो रहा है और जो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन है वो इन दोनों फंक्शन को सिंक्रनाइज करके इंटीग्रेट करता है ताकि दोनों एक दूसरे की बात मान सके देखो जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के बीच लड़ाई हो रही है इसका मतलब क्या है क्लास फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि दोनों का फंक्शन अलग अलग है और जिसकी वजह से क्लास जो है वो डिफरेंस आ रहा है दोनों में जिसकी वजह से हो रहा थर्टी फाइव में थर्टी सिक्स प्लानिंग रिड्यूस द लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क द दूचर ऑफ प्लानिंग बींग रेफर्ड टू इन टू क्लास कौन सा प्लानिंग uh, का फीचर जो रेफर यहाँ पे बताया जा रहा है तो so, में guesswork नहीं होगा क्लास लॉजिकल थिंकिंग होगी तो क्लास यहाँ पे प्लानिंग क्या है कंटिन्यूस प्रोसेस है ऐसा तो कुछ भी नहीं है फ्यूचर मेंटल एक्सरसाइज तो करेक्ट आंसर है प्लानिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कह सकते तुक्का नहीं मार सकते दिमाग से काम किया जाता है इसमें मतलब फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना है टारगेट कितना है सब दिमाग से मतलब प्रॉपर जो है रीजन होता है हर चीज की लॉजिक होता है तो नहीं होता है उसमें सिलिको लिमिटेड हैज हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड uh, राजन भाल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट वॉट विल बी देश है सीईओ है तो भैया ये टॉप लेवल मैनेजर है तो क्या काम करते हैं टू इंटीग्रेट डाइवर्सिफाई एलिमेंट एंड कॉर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफेंट डिपार्टमेंट टू कैरी आउट प्लान फॉर्मुलेट बाई द टॉप मैनेजर्स तो बाई ट कैसे हो सकता है टॉप तो खुद ही है वो टू ओवरसीज द एफर्ट ऑफ द वर्क फोर्स टू हेल्प हेल्प टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बताओ क्लास इस सिचुएशन में क्या काम है तो यार ये तीनों काम नहीं है इसके एक काम है क्यों तो इंटीग्रेट डाइवर्सिफाई एलिमेंट तो डायवर्स अलग अलग एलिमेंट्स से इंटीग्रेट करना कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है टॉप लेवल मैनेजर है तो उसका ये काम है और ये जो काम है ना कैरी आउट द प्लान फॉर्मेट इधर टॉप लेवल मैनेजर ने जो दिया उसे फॉलो करना तो मिडिल का हो गया टू ओवरसीज द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स वर्कफोर्स का जो काम करते हैं वो एफर्ट देखते हैं वो लोअर लोअर एम्प्लॉय हो गए हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भाई ये भी लोअर एम्प्लॉय हो गए वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करेंगे या वो कोई मिडिल लेवल का मैनेजर भी हो सकता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो लेकिन ये तीनों काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजर के नहीं है और ऊपर जो ये राजन बहल है और क्लास ये जो अपॉइंट किया है क्लास श्री शक्ति लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड तो भैया ये तो जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं तो टॉप लेवल मैनेजर ये काम तो नहीं करेंगे नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफाई द्यूमन नीड बट डॉट पे अटेंशन टू द एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट फॉर मार्केटिंग कैनोट भी जस्टिफाई भैया देखो तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है देखो वर्कर सॉरी तो जो हमारे एम्प्लॉय सॉरी कस्टमर्स है वो जो डिमांड करेंगे उनकी जो नीड होगी उनकी वांट होगी उसके हिसाब से हम सामान बना के देंगे लेकिन उसको सामान देते वक्त ये देखना है कि क्लास कोई अनथिकल चीज़ तो नहीं हो रही क्या वो ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहा है जो समाज के लिए गलत इंपैक्ट डाल सकता है तो आपको उसको देखना है तो ये मार्केटिंग की कौन सी फिलोसफी है आपको ये बताना है तो है क्लास अगर ग्राहक कहता है कि मुझे ड्रग्स लेना है ग्राहक कहता है मुझे दारू पीना है गांजा चाहिए चरस चाहिए तो भैया ये चीज़ हम उसे नहीं देंगे क्योंकि ये समाज के ऊपर गलत इम्पैक्ट डाल सकता है सो ये

जमेंट वॉज द सी ई रेफरिंग टू तो क्लास सी ईओ कहता भी है उससे भैया तुम्हें सारे फंक्शंस को भी काम कर, का, परफॉर्म करना पड़ेगा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग तो बताओ क्लास मैनेजमेंट इज अ अंटिन्य प्रोसेस इज ऑल परवेसिव मल्टी डायमेंशन और क्लास गोल ओरिएंटेड तो बताओ क्लास कौन सा सूट कर रहा थर्टी नाइन के लिए तो बताओ क्लास कौन सा शूट सूट कर रहा है क्लास उसे ऑल द टाइम परफॉर्म करना है, है ना परफॉर्म ऑल द टाइम उसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग टाइम लो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं वीडियो पॉज करके भी आप आंसर बता सकते हो तो उसे ऑल द टाइम परफॉर्म करना है मतलब मैंने हिंट तो दे ही दिया था क्लास तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये सारी चीज़ें जो है उसे ऑल द टाइम परफॉर्म करना है बेटा परवेसिव का मतलब क्या है जो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी सब बनाए तो वो इसमें नहीं है क्लास उसमें एक ही कंपनी की बात हो रही है वर्क पीपल ऑपरेशन की बात होती तो डायमेंशन और क्लास गोल ओरियंटेड इसमें कोई भी गोल अचीव करने की बात नहीं कर रहा कोई टारगेट हमारे पास नहीं है यहाँ पे सो ए ऑप्शन इज सुटेबल अनलाइक प्रोफेशनल सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर्ड प्रैक्टिसिंग और डॉक्टर और लॉयर

वो है क्लास रेस्ट्रिक्टेड एंट्री डिग्री तो ये जो डिग्री है वही डिग्री जो है वो रोक लेता है भले ही आप कितने अच्छा डॉक्टर काम क्यों ना जानते हो लॉयर का काम क्यों ना जानते हो डिग्री नहीं होगी तो आप लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना ही डॉक्टर बन सकते हो ना उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो सो so, फोर्टी का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है ओके okay? तो यानी कि डॉक्टर और जो अदर प्रोफेशनल्स हैं क्लास उनके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्लास वो प्रोफेशनल्स हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हर कोई एंट्री नहीं कर सकता डिग्री होगी तभी आप एंटर करोगे लेकिन मैनेजमेंट का ये फीचर क्लास मैनेजमेंट में ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है मैनेजमेंट के फीचर में इंक्लूड नहीं है इसलिए मैनेजमेंट जो है बहुत कम है बेसिकली वो आर्ट और साइंस है तो ये 40 क्वेश्चन क्लास हमारा टोटल कवर हो गए आप बताओ क्लास के आज के आउट ऑफ 20 में आपकी कितना स्कोर आया आई होप क्लास आपने एंजॉय किया होगा कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और एक एक दिन में मैं दो दो वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ क्लास क्योंकि एग्जाम क्लोज है और दिन रात मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके पीछे ऑब्वियस है क्लास आप भी कर ही रहे हो तो ऐसे ही मेहनत करते जाओ आपका काम क्या है क्लास इसको अच्छे से स्टडी कर लेना पूरी वीडियो में जो जो क्वेश्चन नए मिले आपको उसे लिख के रखना जो नया सीखने वाला लाया उसे लिख के रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप उसे एक बार रिवाइज कर जा सको अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर करना क्लास वीडियो को मेरी लाइक करना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें ठीक है बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में